तक पहुंचाने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और पंचायत समिति चुनाव को लेकर के आज मतगणना अभी जारी है। सवाई माधोपुर के साहूनगर स्कूल में जिला परिषद की 25 सीटों की मतगणना फिलहाल चल रही है। मतगणना केंद्र पर भारी पुलिस बल की तैनाती है और चुनाव में 7 पंचायत समिति की 145 सीटों पर 496 प्रत्याशी बताए जा रहे थे। तो 496 प्रत्याशी यहां से बताए जा रहे थे और अभी तक सवाई माधोपुर में, क्योंकि यहां पर अभी भी मतगणना जारी है, पंचायत चुनाव का रण फिलहाल बरकरार देखने को मिल रहा है और अभी तक दौसा से परिणाम की घोषणा की गई है, लेकिन सवाई माधोपुर में भी देखिए सुबह 9 बजे से ही काउंटिंग शुरू हुई है और अभी तक फिलहाल जो भी अपडेट्स हम तक मिल रहे हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जबकि ये माना गया है कि जिस तरीके से लगातार मतगणना की जा रही है, और इस बीच में ये भी देखने को मिला था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमे में किस तरीके से सियासी घमासान रहा था। वो चाहते थे कि पंचायत चुनाव पर भी उनका इसी तरीके से दबाव बना रहे, क्योंकि इससे पहले भी जो चुनाव अभी तक हुए थे इसमें ये देखा गया था, पिछले चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो अभी तक ये बताए जा रहे थे जिन पहले 27 सीटों पर 27 जिलों में जो पहले चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस में भारी रही थी और इस बार के चुनाव में इसी वजह से सचिन पायलट ने भी गुहार लगाई थी कि कुछ चेहरे बदले जाने चाहिए ताकि कांग्रेस का दमखम बना रहे। लेकिन अब ये देखना होगा कि अभी तक तो हालांकि निर्दलीय और बीजेपी दोनों का सिर्फ खाता खुला है जबकि कांग्रेस फिलहाल लीड कर रही है, तो आने वाले समय में यह देखना होगा कि आखिर ये लीड कांग्रेस की बरकरार रहती है या फिर बीजेपी को आगे निकलने का मौका मिलेगा या फिर निर्दलीय को।